मैं डॉक्टर अथर्व पाशा हूँ, एमडी इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको शुगर के बारे में कुछ मालूम दूंगा, जिसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर ये बीमारी क्या है। शुगर में एक्चुअली आपके जो ब्लड शुगर की जो वैल्यू है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो हम कहते हैं, उमूमन 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होने के बाद जब आपकी शुगर वैल्यू 126 से बढ़ जाती है और खाने के 2 घंटे के बाद 200 से बढ़कर या रैंडम शुगर 200 से बढ़कर आपकी बताती है, और HbA1c जिसे हम 3 से 6 महीने के शुगर का कंट्रोल बताते हैं वो 6.5 से ज़्यादा अगर हो जाए तो हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। मैं डायबिटीज़ के कई मुख्तलिफ जो है उसकी वजूहात है, जिसमें जो आजकल हम कॉमनली देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा सेकेंडरी डायबिटीज़ जो कुछ गोलियों को खाने की वजह से आते हैं या फिर जैसे प्रेगनेंसी में आते हैं, कुछ पेशेंट्स को शराब ज़्यादा पीने से उनका पैंक्रियास ख़राब हो जाने से उससे भी डायबिटीज़ की शिकायत देखी जा रही है काफ़ी ज़्यादा। और ये डायबिटीज़ को आज की नहीं है, कम से कम हज़ारों साल पुरानी शुगर की ये बीमारी है। और इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि किताबों में इसको मतलब मीठे जहर के नाम से मतलब जाना जाता है। ये जहर इसलिए है क्योंकि इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना, उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस है और जानलेवा है। और मीठा इसलिए क्योंकि बीमारी शुगर की है। इसमें ख़ास करके आजकल के ज़माने में जो देखी जा रही है शुगर, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी वजह जो है हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल है, जिसमें हम जो है फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिससे मोटापा बढ़ते जा रहा है और उससे बॉडी में जो है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा होती है, जिससे बॉडी में पैंक्रियास जो आपका लबलबा है उसको ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है और इंसुलिन तैयार करना पड़ता है, और वो इंसुलिन जो तैयार होता है वो सही तरीके से काम भी नहीं कर सकता मोटापे की वजह से, और वो शुगर को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वजह से जो है ज़्यादातर जो बीमारियां हम में आज कल जो लोगों में हैं वो यही मोटापे की वजह से ही है। और इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे नींद सही नहीं रहना और स्मोकिंग और अल्कोहल और जो है स्ट्रेस ले लेना और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रखना और खाने पे कोई कंट्रोल नहीं रखना। इसके जैसे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर जैसे आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चले तो आप इसका रेगुलर आप चेकअप कराएं और डॉक्टर से जो है आप रुजू हो जाएं। बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कई हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि शिद्दत से शुगर बढ़ जाती है और आपको दवाखाने तक शरीक होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है आईसीयू में शरीक करने की नौबत आ जाती है, और ये उमूमन उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो अपनी शुगर पे कंट्रोल नहीं रखते या फिर मेडिसिन दवाइयाँ रेगुलरली नहीं रहते या चेकअप रेगुलरली नहीं करवाते, और जब उनको पता चलता है कि उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, जब डॉक्टर के पास आते हैं तो बीमारी काफ़ी हद तक उनकी बढ़ी हुई रहती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे रहते हैं शुगर के, जिसमें आप देखेंगे कि जिस्म में शुगर जैसा खून में ही है तो खून पर जिस्म में उसकी रवानगी है तो जिस्म के हर हिस्से पर वो मुतासिर करती है। आप जैसे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जिस्म को अफेक्ट करती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस के हद तक माइक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें माइक्रोवैस्कुलर का मतलब ये है कि खून की जो छोटी नालियाँ होती हैं वो मुतासिर होना, और माइक्रोवैस्कुलर जिसे हम खून की बड़ी नालियाँ मुतासिर होना कहते हैं। खून की छोटी नालियाँ मुतासिर होने से उमूमन जो है आँखों पर असर होता है या फिर गुर्दों पर असर होता है या पैरों के जो रगों पर असर होता है, जैसे कि चुंटियाँ भर जाना या फिर आपको सुनपना महसूस होना, आँखों में जो है आपको दिखाई सही नहीं देना, और जो है गुर्दों की वजह से आपको जो है कई पेशेंट्स को जो है
पेशाब सही नहीं बनता, उनका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर ऐसे ही 10-15 साल तक चला तो पेशेंट्स को डायलिसिस पर भी आना पड़ सकता है। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो मैं बता रहा था, मोटी रग की बीमारी जो सबसे ज़्यादा अहम है आज के दौर में, वो है हार्ट का जो है तकलीफ़ें होना, हार्ट से मतलब हार्ट अटैक जो हम कहते हैं वो एक उसका एंड रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले जो होता है कि खून की नालियों में जो है उसके असरात होना शुरू शुगर में, और उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी खून की नाली छोटी होना शुरू हो जाती है और जो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो दिल की जो है ब्लड सर्कुलेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, और जिससे हार्ट जो है काफ़ी वीक होना शुरू हो जाता है और उसके पंपिंग एक्शन पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो है मोटी नाली से फ़र्क होने वाला वो है आपके ब्रेन के ऊपर जो है इफ़ेक्ट होता है, जिससे उमन आप देख रहे हैं कि फॉलिज के कई पेशेंट्स आजकल बढ़ जा रहे हैं, तो तकरीबन पेशेंट्स को जो है ये जो फॉलिज की बीमारी होती है, शुगर कहीं ना कहीं से मैक्सिमम तरीके से उसमें पाई जाती है उन पेशेंट्स में, वो डेवलप होकर जो है खून की रवानगी से मतलब पैर का खून की रवानगी कम होने से पैर में जो है आप उसका कलर चेंज होकर पैर जो है एकदम सड़ने लगता है, वैसे सूरत हाल में आपको जो है पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो इसके इतने जो है ख़राब नतायज हैं शुगर के, चाहे माइक्रोवैस्कुलर रहो या मैक्रोवैस्कुलर मतलब छोटी खून की नाली रहो या बड़ी खून की नाली, हर उन खून की नाली को शुगर मुतासिर करता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट की ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप अपनी शुगर का ख्याल रखें और उसको डे टू डे रेगुलर चेकअप करें, डाइट पे कंट्रोल करें, रोज़ एक 15-20 मिनट सही आप वॉक कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर घुटनों के दर्द की वजह से अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप बैठ के जितनी भी वर्जिश आप हाथ पैर हिलाने की कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। जो लोग स्विमिंग जा सकते हैं उसको स्विमिंग करें, कुछ लोग जो साइकिल चला सकते हैं वो साइकिल चलाने की कोशिश करें। ऐसी भी एक्सरसाइज हैं जिससे घुटनों पे भार कम पड़े, तकरीबन ज़यीफ़ लोगों में घुटनों में तकलीफ होने की वजह से ही ये लोग जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उमन शुगर जो बढ़ जाती है उसकी कैसे हम पहचाने, जैसे कि कई लोग रहते हैं हम कैसे जाने कि हम शुगर चेक करें, तो उसकी कई तरीके हैं, जैसे कि एक तो कई मास स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं जिसमें शुगर जो है हम एक बड़े पैमाने पे चेक किया जाता है, वो ऐसे कैंप्स में अगर आप विजिट करके अपनी शुगर चेक कराएं कभी रैंडम, और वो अगर 200 से बढ़ के बताए तो फौरन आप डॉक्टर से ख़याम करें। अगर आप मतलब कैंप्स में नहीं जा सकते या फिर आपको कुछ और जिस्मानी शिकायतें हो रही हैं, जैसे कि पानी की प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना और बाद जल्दी से आप थकावट महसूस कर लेना, या फिर आपको चक्कर आना, या फिर ज़ख्म लग के उसमें जो है सूख नहीं जाना जल्दी, ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो आप फौरन अपनी शुगर का चेकअप कराइए। या फिर आँखों को धुंधला दिखाई देना, उमन ज़यीफ़ लोगों को हम देखते हैं आँखों को धुंधला दिखाई देता है तो वो आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चलता है उनको कि मोतियाबिंद है, और जब उनकी शुगर चेक की जाती है तो शुगर 300-400 बताते हैं, तो वो लोग इससे गाफिल रहते हैं कई लोग। तो शुगर अपना काम पहले ही कर चुकी होती है, उसको जो डैमेज करना है बड़ी और छोटी नाली में खून की वो ऑलरेडी वो कर चुकी होती है। तो इसके लिए जो है आप जो है अपनी सेहत का सही ख्याल करें, अगर जिस्म में कोई भी किस्म की आप तब्दीली महसूस करें आपके अंदर करें, और अगर आपको कभी आपके घर के करीब में कोई कैंप अगर ऐसा दिख रहा है तो अपने घर के ज़यीफ़ लोगों को या ख़ुद भी आप लेकर जाइए और ले जाकर आपकी शुगर चेक करिए, और अगर शुगर बढ़ के बता रही है तो आप किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से या इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कायम करिए। मैं डॉक्टर अथर आपसे यही फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें, ये बीमारी आने की वजह मेन जो है वो यही है कि आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहना, जिस्मानी हरकत नहीं रहना, और जो है खाने पे कंट्रोल नहीं रहना और नींद सही नहीं रहना। इन सब चीज़ों का सब आप ज़रा गहराई से आप इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए, यही सबसे आपके लिए सबसे अजीम चीज़ यही है।